हेलो, सत श्री अकाल जी। अभी सब लाइव में कनेक्ट हो जाए, फिर बात करते हैं। आईसेट बहुत वीक हो गई है। हाय दीप सिमरन जी, हम ना 2 दिन बाद लाइव आए हैं ऐसे फेस टू फेस, सो कुछ लोग अभी कनेक्ट हो जाए, देन वन ऑन वन आपके साथ कुछ बातें करनी है। यार आईसेट बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। समर्थ गोयल, हाय राघव टीम, है ना। हाय गुरप्रीत जी, सत श्री अकाल, की हाल है। हाय यशी मम्मी, नहीं 11 नु भेज दो बंदे, पहले पूरा आवाज देनी पड़ती है कि कौन सा गेट बंद है, कौन सा गेट खुला हुआ, क्योंकि जारा को ऊपर जब आना होता है तो सारे गेट बंद चाहिए, क्योंकि जारा बाहर ना चली जाए, क्योंकि बाहर जाएगी तो उसको स्ट्रीट डॉग्स खा लेंगे। यार मेरी आईसेट बहुत ज्यादा वीक हो गई। मैं अभी आपके कमेंट्स रीड कर रही हूँ। जो कल हमने बच्ची रेस्क्यू की थी, हाय सोनिया रावत जी की, जो बच्चा आपको अडॉप्ट करवाया वो ठीक है बिल्कुल। और गाइस, जो भी बच्चे हम अडॉप्ट करवाते हैं ना, मतलब ऐसे नहीं कि मुंह उठा के किसी को भी दे दिया, ऐसे नहीं होता। पहले पूरा फैमिली का बैकग्राउंड चेक होता है, उनसे सारी डिटेल ली जाती है, उनको प्रॉपर समझाया जाता है कि अगर आप केयर करोगे तो ही बच्चा अडॉप्ट होगा। अदरवाइज मैं उन बच्चों को उनकी माँ के पास ही रखती हूँ ना, कि जो भगवान ने उनको जिंदगी दी है अपनी वो जिंदगी भुगत के जाए। ऐसे नहीं कि मैं कहीं से भी बच्चा उठा के किसी भी फैमिली को दे देती हूँ, ऐसे नहीं होता कभी भी। और जो कल मैंने बच्चा उठाया था वहां से, उसके लिए तो अभी भी मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि आपने माँ बेटे को, माँ बेटी को अलग कर दिया। वो दिखा देती हूँ, कल तक ना उस बच्ची की बचने की उम्मीद नहीं थी, पूरी रात हमें पता उसको कैसे लेके बैठे रहे हैं। अभी थोड़ी उम्मीद जागी है, क्योंकि उसको जोई का दूध पिलाया 3 से 4 बार, उसको नॉर्मल दूध भी पिलाया है। सो मैं बच्ची दिखा देती हूँ, अभी कहाँ है वो ये देखिए, इधर सो देखो कहाँ पर रही है वो। आपको बच्ची दिख गई, देखो कैसे सो रही है मस्ती से। हाय सविता जी, इस बच्ची को कल हमने रेस्क्यू किया था ना, इसके 2 भाई बहन थे जो मेरे को वहाँ पे, जो लोग थे उन्होंने बताया कि जो इसके 2 भाई बहन थे, पता नहीं वो गर्मी से बेचारे मर गए, और जो वो लोग वहाँ पे रहते हैं ना, उन्होंने उसको बच्चों को दफनाया नहीं है, डस्टबिन में फेंका है। मतलब माना कि वो लोग गरीब है, दिहाड़ी करते हैं, लेकिन भाई दिल तो इंसान है, कुछ ऐसा होना चाहिए ना। सो बुरा लगता है, काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि तू बच्ची ले आई है, माँ बाप को ऐसे अलग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई अगर मैं इसको वहां पे छोड़ के आ जाती ना, तो वहां पर कोई ऐसा घर बना हुआ था कि मैं इस बच्ची को वहां पर रख देती, या कोई ऐसी फैमिली होती जो मुझे बोलती कि दलजीत डोंट वरी, हम इसकी केयर करेंगे। मेरे को एक बंदे ने भी वहां पे नहीं बोला कि दलजीत आप बच्ची मत लेके जाओ, हम यहाँ जितने लोग रहते हैं, कम से कम 50 फैमिलीज रहती है वहां पे, कुछ नहीं करते वो सीरियसली। और मैंने उनसे पूछा भी पहले लाइव आने से पहले, लेकिन कोई नहीं माना वहां पे। मतलब यार मुझे कोई शौक थोड़ा है, जब भी मैं कोई बच्ची कोई ऐसे सड़क पे देखती हूँ, कोई ऐसा केस देखती हूँ ना, मैं 10 मिनट वहां बैठ के सोचती हूँ, मुझे टेंशन हो जाती है कि अगर मैं इस बच्चे को पिक करके घर लेके जा रही हूँ तो भाई मैं कहाँ रखूंगी। सीरियसली यार बहुत मेरे को सोचना पड़ता है। अभी इस कमरे में बच्चे हैं, कमरे के बाहर बच्चे हैं, वॉशरूम में बच्चे हैं, बैक साइड पे बच्चे हैं, नीचे बच्चे हैं, मतलब घर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे बच्चे ना हो। और सब बच्चे ऐसे हैं कि एक को दूसरे से दिक्कत है, आराम से सो रही है। देखो शेरनी, अब कल लड़ाइयां करवा के लोगों के साथ, है ना। मतलब सोचो यार, अगर देखो मेरा दिल ना वैसा नहीं है कि मैं उसको वहीं पर रख के आ जाती और घर में आके आराम से मैं गाने सुनती, खाना खाती, मेरे दिमाग में वही घूमते रहना था कि मैंने उस बच्ची को मिट्टी पर रखा था, बेचारी वो उसकी, क्योंकि यार ये डॉग्स है ना। और जब मैंने इस बच्ची को पकड़ा, इसकी माँ इसको इतना नहीं, मतलब वो कर रही थी, वो इधर उधर घूम रही थी, हम वहां पे 20 मिनट रुके हैं भाई, हमें चेक करने के लिए कि इसकी माँ को फील ना हो। 3 बार वो बच्चे दे चुकी है, हर बार उसके बच्चे मर जाते हैं, हर बार। फर्स्ट उसकी बच्ची एंजल बची थी, उसके बाद सेकंड ये बच्ची है। मैं उसको पिछले 1.5 साल से फीड कर रही हूँ, हर बार उसके बच्चे मर जाते हैं। सो यार बुरा लगता है। अभी आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो।
सत श्री अकाल जी। एंड गाइस करनाल में एक न्यूज़ आ रही है कि करनाल में तेंदुआ आया हुआ है, तो कुछ लोगों ने वो न्यूज़ सुनी भी होगी। और तेंदुए का जो रास्ता है ना, पता कौन सा है? बड़े गांव वाला। आपको पता है कि हम डेली बड़े गांव फीड करने जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं, मंकीज हैं, तो थोड़ा हमें भी अवेयर रहना पड़ेगा। एंड प्लीज़ जो लोग और भी रहते हैं, अभी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं आई, बट सुनने में आया कि करनाल में बुड्ढा खेड़ा से लेके जो बड़े गांव वाला एरिया है ना, क्योंकि वो जंगल पड़ता है उस साइड, तो वहाँ पर कुछ तेंदुए के आसार हैं। तो हमने भी डिसाइड किया, ये नहीं कि हम खाना देना बंद कर देंगे, खाना देना जाए हम डेली जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहेंगे कि खाना गाड़ी से ही, एक सेकेंड, कि खाना हम गाड़ी से, गाड़ी के बाहर जैसे मंकीज को खाना देना है, हम गाड़ी के अंदर से उनको खाना दे देंगे, क्योंकि हमारा मेन बाकी बड़ी बात, अगर बाय चांस अगर बड़े गांव जंगल में तेंदुआ पहुंच जाता है ना, तो अगर वहाँ पे आपको कोई भी मंकी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डर के मारे सारे छुप जाते हैं, तो ये भी एक साइन है। सो अभी ये बच्ची है, आराम से सो रही है, अभी देखो पकड़ूंगी इसको एक बार, मैं हाथ में ले लो इसको, पास से दिखाओ, वेट, पूरी रात नहीं सोए हम, क्योंकि इसको भाई, इसको कहीं का जो ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे इसको, सीरियसली इसको उठाती हूँ अभी, जब इसको उठाऊंगी जो ही भी उठ जाएगी। चल लो है पूरी ये, होए मेरा बुच्चनी, जब भी इसको उठाओगे इसको मम्मा को फीड भी फीड चाहिए, मम्मा की फीड चाहिए। ला ये इसका मुंह देख लो बेबी, इसका मुंह देख लो, आई अभी इसकी आंखें भी नहीं खुली यार, कैसे लोगों का दिल करता देखना, हाय देखो कितनी सुंदर है, कुछ 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 कुछ, हाय देखना यार कितनी सुंदर है, हाय मम्मा, हाय मम्मा। कल तक सच्ची बताओ ना, मेरे को कल बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बच्ची बच जाएगी सच्ची में, क्योंकि जैसे ही ब्रीद कर रही थी रुक रुक के, हमको इसको कहाँ जाना यार, शुशु भी कर दिया इसने। हाँ मैंने कल मैसेज पढ़ा था, जो लोग ये बोलते हैं ना स्ट्रीट डॉग्स को जब हम अडॉप्ट करवाते हैं, आपने जी माँ को बच्चे से अलग कर दिया जी, माँ दुखी होगी, ये वही लोग हैं जो किसी कैनल में जाके 20,000 के लैब्राडोर है ना, अलग अलग वैरायटी के डॉग्स लेके आते हैं, तो वो बच्चे माँ से अलग नहीं होते क्या? मतलब आप जब एक कैनल पे जाते हो, वहां तो स्पेशली ब्रीडिंग इस बात के लिए होती है, उनको जबरदस्ती माँ बनाया जाता है, जबरदस्ती उनका रेप करवा के बच्चे पैदा किए जाते हैं, ताकि आप जैसे लोग अपने घरों में अच्छी अच्छी ब्रीड्स के डॉग लेके आ सको, वो भी तो बच्चे होते हैं, उनको भी तो माँ से अलग नहीं करना चाहिए ना, मतलब कितना बुरा लगता है यार सच्ची में। अगर स्ट्रीट डॉग वही बना, साडा कुत्ता ना, ताडा कुत्ता किवें सी, साडा कुत्ता टॉमी है ना, साडा कुत्ता कुत्ता, सीरियसली यार ऐसे थोड़ा होता है। देखना छोटी सी नन्नी सी बच्ची, अभी 12-13 दिन की भी नहीं है, गुगली फुल मस्ती करती है, बहुत चालू है ये। सर्किट को भी दिखाती हूँ, आफत की पुड़िया अभी रूम के बाहर है, उनको बाहर वाला पोर्शन दे रखा है किराए पे। अभी उम्मीद है कि बच्ची ठीक रहेगी, क्योंकि कल तक मेरे को उम्मीद नहीं थी सच्ची में। अभी खाना पीना खा रही है, बाकी ना इसकी बॉडी थोड़ी सी शेक करती है यार, एक ये भी दिल में डर रहता है कि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अभी अब जब भी कोई रोड से बच्चा उठाते हैं, भगवान ना करे उसे कोई बीमारी हो, वो दूसरे बच्चों को लग जाए, एक को बचाने के चक्कर में सारे बच्चे ऐसे बीमार हो जाएं, ये भी तो बात होती है ना यार, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जोई को भी दिखाती हूँ मैं 2 मिनट, सर्किट को भी दिखाती हूँ। सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ना कमेंट करने से पहले सोच लेना कि आपने माँ को बच्चे से अलग किया, बच्चे को माँ से अलग किया, लोग ये नहीं देखते कि आपने एक ज़िंदगी बचाई है। मेरे को एसिडिटी की बहुत दिक्कत है भाई, कोई दवाई बता दो। साडा कुत्ता कुत्ता, ताडा कुत्ता टॉमी, या क्या बिस्कुट रोटी। अभी तो देखो छोटी है, एटलीस्ट 40 डेज तो नहीं अडॉप्ट कर, ये ना 40 डेज बाद तुम सारे लोग मुकर जो। अभी तो मेरे को फुल मैसेज आती है कि दीदी हमने वो वाला बच्चा अडॉप्ट करना है, ये वाला बच्चा अडॉप्ट करना है। जब जोई के बच्चे भी बड़े हो जाएंगे ना, तो मेरे को वो बच्चों का भी अडॉप्शन करवाना है। कहीं 40 डेज बाद तुम सारे अलग दुनिया में चले जाओ, नहीं जी नहीं, हमें तो नहीं करने जी। जोई के बच्चों के नाम रखेंगे
जॉय के बच्चों के नाम रखेंगे, उसके बाद उनका अडॉप्शन भी करवाएंगे। शेल्टर कहाँ लिया? करण लेक के पास। सविता जी ये मेरी मम्मी की आईडी है, नीरू साइगल। मैम इनको वैक्सीनेशन कर दो सबको प्लीज। वैक्सीनेशन इनकी तब होगी जब 45 days अबव हो जाएंगे। जो सर्किट हो रहा है उन सबकी फर्स्ट वैक्सीनेशन हुई हुई है, सेकंड वैक्सीनेशन उनकी होनी है, तो डेफिनेटली उनकी वैक्सीनेशन करवाएंगे। हाय नमिता जी, शी इज फाइन। यस शी इज फाइन नाउ, सीरियसली। शो सर्किट गेट, भाई उसने बोला था मंडे शाम को या ट्यूजडे मॉर्निंग में। मेरे पास 6 puppy हैं, उन्हें अडॉप्ट करवाना है। आप स्टोरी डाल दिया करो, मैं इसको रीपोस्ट कर दिया करूंगी। कोई भगवान का बंदा देख के उनको अडॉप्ट कर ले। सीरियसली बताऊं यार, जो स्ट्रीट डॉग्स की केयर करते हैं उनको अडॉप्ट करवाने के लिए ना लोगों के तलवे तक चाटने पड़ते हैं। सीरियसली भाई प्लीज अडॉप्ट कर लो ना। कई बार ना इतना सुंदर बच्चा मिलता है कि दिल करता है उसको घर में रख ले, लेकिन मेरा दिल ऐसा है कि जब भी कोई सबसे सुंदर बच्चा होता है ना, मैं सोचती हूँ वो अडॉप्ट हो जाए, क्योंकि लोग ऐसे हैं कि वो सुंदर बच्चे अडॉप्ट कर, उसको खाना खाना है भी। दे दे उसको थोड़ी सी वो बच्ची, जाओ। मतलब लोग ऐसे हैं कि वो सुंदर बच्चे अडॉप्ट करते हैं, और सीरियसली बताऊं मैं उन बच्चों को रखना पसंद करती हूँ जो जिन्हें कोई रखना नहीं पसंद करता, जिनको लाइक कोई टेक केयर करना नहीं पसंद करता सच्ची में। नेल चुभेगा। चलो बाद में इसको दूध पिलाएंगे। दोबारा मुंह देख लो इसको, फिर हम सुलाने जा रहे हैं। ये बस खा पी के सो जाती है अभी। चलो चलो चलो, बाय 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 जी, बाय बाय बाय। अपने बेड पे जा रही है, देखो इसने पोटी भी की हुई है। ये इसकी पोटी, इसने पोटी भी कर रखी है ये नहीं यार। सॉरी यार, मेरे से कंट्रोल नहीं होता जब मैं ऐसी चीजें देख लेती हूँ। सो सॉरी, लोग बोलेंगे और हाथ लगा दिया पोटी को। भाई ऐसे थोड़ा होता है भाई, मैंने मुंह पे लगा दिया भाई। अच्छा उन दोनों महारथियों को ले अंदर, आते ही आंतक मचा देंगे वो, आते ही इसको छुपा दूं मैं। ये सॉरी ना ऐसे, डुगू पहले से ठीक है। सर्किट वन बाय वन, सर्किट ये आगे, सर्किट कम बेबी, लाइव में आपको सब लोग बुला रहे हैं। सर्किट आ जाओ, आना वो पोटी है पर हो जाओ, मार जाएंगे, मर जाने आंदे सार वेख लो इन्हों। इसके कान पे किसने मारा है? चिकू के। शौकी शौकी शौकी, मेरा बच्चा आ गया जी। शौकी शौकी लिबड़ क्या है, मर जाना वेला। मैं मार रही हूँ। शकिट आ गया, शकिट 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 शकिट, सेल आ गई शकिट दी, सर्किट दी सेल आ गई, सेल आ गई सर्किट दी। सर्किट आ गया 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 आ गया, सर्किट आ गया आ गया आ गया। सर्किट माय फेवरेट, सर्किट आ गया। सर्किट हेलो, सर्किट हेलो, सर्किट हेलो, सर्किट हेलो, सर्किट हेलो, सर्किट हेलो। चीकू को देख रहा है वो क्या खा रहा है। सर्किट हेलो, हेलो कर दे लाइव चो तो दो। हाय नहीं, हेलो कोटो शो, हेलो कोटो शो। ये तो पिटबुल से भी ऊपर है भाई, इसका नेक्स्ट लेवल है पिटबुल से भी। गुड, चलो फिर और बच्चों को दिखाते हैं जल्दी। सकेट हेलो, सकेट हेलो, हाय नहीं हेलो करता, दो बार करता, दो बार। सकेट हेलो, सकेट हेलो, सर्किट हेलो। चीकू ना कख नहीं खान दिया, हेलो कर देता है भाई। अभी ये इसका ध्यान कई मर्जी होता है, हेलो कर देता है अभी ये। सर्किट पीछे तेरी पुआ दी कुड़ी पई है। मैं थप्पड़ मार देगा अभी, जेडे प्यो वाले चिचड़ लवाया सुके। ये ना घर के अंदर रहते हैं अभी, सीरियसली कहीं बाहर नहीं जाते, फिर भी इनको इतने टिक्स हो जाते हैं। सोचो जो डॉग बाहर रहते, मेरे मुंह बैठे ना सारा लग डिग गया। दसा तेन दसा अगे लाइव खिलो जा, इधर 5 मिनट लाइव खिलो जा। सुसु करके ना उसमें बैठ के आया, मर जाना बो आंडी नहीं कंजर।
पिछे दिया भूआ की कुड़ी सुती चल जब न्याणे नहीं पैंदे चल न्याण भी चुका नहीं कर दिया चल 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 अच्छा सर्किल ना टॉफी का कागज लभ गया खाली तो मर चलना जिम्मे प्यो ने चॉकलेट लिया दी देख लो इसको फिर इसको भेज रही हूँ जा रही है सर्किट को खाली कागज मिल गया बस गया मोर ने चाट इधरों इधर आया तेरा नंबर लगा है सुकड़ उसको भी लगवा उसको पकड़ ला इधर अंदर आंदा सारे इन्होंने जो प्यो दे हलवाई की दुकान खुली है एक पास रसगुल्ले पेने एक पास बर्फी पई है तो ट्रेया मैंने अगे कर दा है ना मर जड़े वो करो उसको क्यों उठाया इधर ही दीदी चलो आई वेख लो अरे फुफड़ का मुंडा वेख ला वेख ले मर जड़े मैं मार देख ले इनको राम जड़े कुत्ते उसका पकड़ने नहीं दे रहा यार धो लूंगी हाथ साबुन से भाई मैंने तो नहाना भी है अभी हाथ भी धो लूंगी सर्किट चलो दूजे न्याणे विखाई है ना हुण मर जणा आंदा उहनू प्यार ना कर मैनू ही कर तुहानू दोवां नू सड़क तो चुक के लियाई सा मैं तो ब्रीडिंग करा के नहीं पैदा कीते दोवें सीरियसली वो कहता उसको प्यार नहीं करना मेरे को कर चिकी ये तो सड़ी मर्च चीकू दे पन्ने की खा के जमे दिमाग है हाँ सीरियसली चीकू को दिखा हाय हाय मर जो मेरी लाइट दी तार इतना नुकसान करते ने इधर चिकी चिकू मतलब बचो इधर आ जाओ करी सर्किट उसको पास नहीं आने दे रहा फड़ाई करे चिकू फड़ाई सिंगल हड्डी वेख खाता पूरा उतना ही है जे मेरे एयरपोर्ट खा गए ना मुक्की मारनी एक चिकी इधर हाय नहीं आता भाई मर जाने कंजर ने पूरे चलाक पूरे ये लाइव लगा रखा होगा मम्मी नीचे चलो दूजे बच्चे बिखाइए हूँ साकी शौकी मेरा बेबी नहीं बेबी एक बारी हेलो कड्डो नी एक बारी हेलो आ मर जाना वेख वे आउंदा सर मुंह नाल हेलो कौन करदा है हाथ नाल हेलो करदे मुंह नाल करदे ने आ डोल जी ना अज चक वड़ देगा शुक्र है जी छोटा है हेलो कर दो हेलो 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 करी हाय नी हेलो कुत्ते नी ऊपर लग जंग चल रहा है भी भौंकने की आवाज नहीं आ रही आपको हे परमात्मा मान्य न होती ना मैं तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाना था सौ गुरु दी हाँ एक चीज और मुझे बतानी थी सम टाइम आप देखते हो कि मेरे साथ वॉलंटियर होते हैं ना थोड़ा मैं एक्टिंग से बोल रही हूँ मतलब जब भी मैं किसी डॉग को पिक करती हूँ ना आप सब लोग भी ले जा उठा ले उसको भी उठा ले ना जो मेरे साथ वॉलंटियर है दीदी उठा लो ना दीदी केयर कर लो ना और घर में किसी ने आज तक ना एक भी वॉलंटियर एक भी डॉग अपने घर में नहीं लेके गया एट द एंड डॉग वहां से उठाना आना दलजीत के घर में है वो मैं कई बार इनको बोलती हूँ मैं कहा बड़े तुम साथ में स्टेटमेंट देते हो ये करते हो वो करते हो एक डॉग तो कभी तुम जिंदगी में घर नहीं लेके गए उनकी तो मम्मी पापा नहीं रखने देते तो मेरे मम्मी पापा ने तो भगवान ने जैसे अलग प्लेनेट से भेजे हुए हैं यार मैं अपने ट्रस्ट पे लेके आती हूँ पोटियाँ उठाते हैं हम उल्टियाँ साफ करते हैं मत सारा दिन यार मत मारी रहती है हमारी हाँ ये बच्चे पीछे है मतलब पूरा स्पेस है ये नहीं कि हमने उसको पूरा वो क्या पंजाबी मेद दिता है वैसे कुछ नहीं है उसको आराम से पड़ी हुई है वो पूरा स्पेस है इतनी सुध है वो पूरे सोफे पे घूम लेती है मेरे कपड़ों पे ना सेरा लग गिरा हुआ है इस करके मर चला यार तेरे प्यो ने तो मटन करी नहीं बनाई इतने कंजरा बैठा तो वे कि जिमें लाइव च नहीं तो आना है इन्हें तो सैशन करना सारा अज का चालू बड़ा है तो ना जाए काट तो कुछ नहीं इसके आगे बड़ा आंदो उसको एक बार हाँ मैं थप्पड़ मारूंगी चल चले जा चलो जी दूजे बच्चों विखाइए हूँ साढ़े को तो सैनिटाइजर भी कौन नहाने हाथ हूथ साफ कर लिए चलो जी ओए अगर थोड़ा कोई क्वेश्चन है तो फटाफट दस दियो असं लाइव कर लगे हैं बच्चों के वाल फिर असी इतों चले हाँ ठीक है सिमरन के घर मैंने एक डॉग है कैरी उसको भेजा आवे आवे खा जाओ बैड
खा जाओ खा जाओ। लोग कई बार मेरे घर में आते हैं ना, वैसे बैठ यहाँ बैठे होते हैं, चाय पीते हैं, साथ साथ ना रूम देखते हैं ऐसे ऐसे, फिर वो मेरा दरवाजा देखते हैं, फिर वो मेरा बेड देखते हैं ना कि कितना खाया हुआ है, कैसे लोग हैं। काफी लोगों को तो पता है, कुछ को नहीं पता अभी। बेस्ट फूड फॉर स्ट्रीट डॉग्स, भाई मैं तो रोटी में दूध, पेडिग्री, चावल सब कुछ मिक्स करके दे देती हूँ, बिस्किट बुस्किट नहीं देती। बिस्किट अगर देने हैं तो वो डॉग्स वाले देने हैं। चलो मूव करें, चपड़ा 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 चपड़ा, एक चप्पल कितने वे। चलो भाई मूव कर रहे हैं हम तो। मैंने रिप्लाई दिया है, क्या नाम है जोशी भाई जी, सारे बच्चे बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, जितने भी अडॉप्ट करवाए हैं। चिक्कू को दिखाती हूँ दिखाती हूँ एक सेकेंड। चलो लाइव हम कर दें अभी दूसरी तरफ है ना, एक सेकेंड एक तो सेटिंग करनी है पैंदे कैमरे ने, एक सेकेंड फ़ोन को कैमरा इससे हटा लें फंक्शन से, बस एक सेकंड, मैं दूसरे बच्चे दिखा रही हूँ आपको सारे। मेरा क्लिप दे दो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी हमने सारे बच्चों के पास जाना है तो प्रॉब्लम ना आए। ये जोई इसकी नई वाली बच्ची की पोटी उठा लेना जी, ये रही छोटी सी है, कितनी से लगाऊँ मैं इसको, कितनी सी होएगी ये सीरियसली छोटी सी है ये, देखो मेरी उंगली जितनी, देखो इकलो इकलो भाई लाइट मारी हो तो टेबल पे क्या हो गया, ये कहा है नहीं कितने गया ही, एक तो फोन ही सड़ता केड़ा केड़ा नहीं स्यापा आवे, मेरी उंगली जिड्डी एक एक पोटे जिड्डी आवे ला छोटी जी आवे ला, उठा दे खा देंगे इनका कुछ नहीं पता। आ वेख लो जी आ जाओ ताडा चीकू, लाइट लाइट पकड़ी, मैं पिछला कैमरा साफ करूँ एक बार, पिछला कैमरा साफ कर दी एक मिनट, ये साड़ा फोन केड़ा है, अच्छा दूजा है, एक मिनट कैमरा साफ कर दी, एक मिनट है, तुहानू क्लैरिटी चो नहीं होना चाहिए कॉम्प्रोमाइज, तुसी इन्नी दूर दूर बैठे हो ना, ये तो है नहीं, मैं तो सारा दिन वेंदी रहना इन्हां नू, जे तुसी इन्नी दूर बैठे हो तो एक सैकेंड जी। चलो आ जाए, उस टाइम ठाक रख दे बीच में खा जाएंगे भी, इन पे फ़ोन लगाते हैं भाई हम, वो सॉरी बच्ची पीछे जब हम कमर में कई बार आते हैं ना सारी चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं, एक इंच दी पोटी होती आहो। हाँ टब्बर बैठा जे एक आ टब्बर बैठा, आ जाओ वेख लो आ बैठा जे, चार न्याणे लैके बैठी अपने जोई, आहो बिग बॉस से तो मेरी भी कमी रह गई एक है ना, आ वेख लाइव हो लें अंड तेन तो मैं सारिया चादर से किमें जोड़ के रखिया ने, जोई ने ना तेरे धौन फड़ के खिंच लैनी है, जोई आ गई पिछे हो डरदा भी पूरा ओदे तो, जोई जोई दी फैमिली ने वेख लो, जोई दी फैमिली वेख लो, ओए जोई दी फैमिली ने वेख लो, अबे अबे होए तेरा फंटा उतर जाना थल्ले उतर जा, एडा हीरो ना बन, पर तू बॉडी बिल्डर नहीं है जेड़े तू जिम जाना है, जेड़े जिम जाते ना अजकल ना वे किसी नाल पंगे नहीं लेंदे, ओ पौंक ओ पूरा पता उसको, आ वेख किवें जिवें रजाइयां लैके सुते ने, वेखी आराम नाल एसी च मर जाने, वेखी यार हजे तो मैं सुख नाल ना थले शीट दूजी बिछाईए कितने वे, आवे कुछ शीट बिछाई लिया के गद्दे गाल छड़े इन्होंने तो जुत्तियां मारांगे दोवां नू थले, तो तड़ दो बाथरूम नहीं हुंदा अगे तो सारा तुसीं बैड्डां ते करदे सो गलियां च ना, शाडू की आवाज़ ऊपर भौंकने की यऊ 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 भौंकते पता कैसे है यऊ 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 यऊ, आ जोई दा टब्बर आवे आवे इधर आन डे, जुत्तियां तेरे पै जानियां ने गेट तुहाडे वास्ते दोवां वास्ते लवाण डे, और मैनू गेट की जरूरत कौन नहीं सी उत्थे जिहड़े तुसीं कंजरखाने पाए ने, अडोप्ट तो तुहानू किसे करना नहीं, इत्थे चक्करियां कट्टनियां चक्करियां वे कट्टन डे नहीं, तो प्यो दे बराते आए ने दोवें जने, आवा आवा आवे आवे जे मेरा सा ओ रिंग लाइट दा स्टैंड डिग गया ना छड़दी नहीं तुहानू, हाय मेरे बा मेरे वे लग के पीड़ो चला जाए मेरा, अज नहीं मेरे तो बोलिया जांदे
सो अभी जोई को देख लिया, दूसरे बच्चों के पास जाऊं? दो जा जा दूसरे बच्चों के पास जाऊं अभी? कल वाला बेबी आवे कि मैं जिम्मे सपने लैन दी है, जिम्मे ने गड्डी दी किस्त देनी है, है ना? जिम्मे गड्डी दी किस्त देनी सोना, इन्नी तरीक आ गई है कि मैं सपने लैन दी पूरे वेखी, नाल दी सुती आंदी मेरे को ते गड्डी ही कोनी नाल सुती आवली आंदी मेरे को ते गड्डी ही कोनी, मेरे तो टेंशन ही कोनी कोई, मैं सोनी हां। आवे बेचारी जागण दी आवे की लाइट मारे इधर, आवे सो जा भैणे सो जा, तानू कदी टेंशन है? लाल लाल कत होई है जोई, खारिश हो रही है इसको, ये क्या हो रहा है, खारिश हो रही है इसको। सो जा पुत्र सो जा, जो कल वाला बेबी है उसके बारे में मैंने बता दिया है, आप जब मैं वीडियो एंड करूंगी वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हो। आ मुंडा आवड़ा उधर तो देख ला, मरी चले ने फेरे ला लेके ओवे ओवे की पोषण पा भी पोषण पा, आवे आवे देख रहे हो, इनको देख रहे हो, तुम तो चक्करियां मरवानी है, खिलो जा जरा दो मिनट में की आ आ। हाय मेरे बा मेरा कोई पता नहीं, इतने पोटिया पाटिया मैं आ गई हाँ आ गई हाँ, खिलो जरा चलो मैं दूसरे बच्चों के पास जा रही हूँ। जोई का मैट नहीं गीला है, थोड़ा सा गीला है, अभी हमने क्लीन करके अभी रखा ही है, वाला गीला है, पोछा मार देंगे भाई। भाई जोई ऐसे नहीं है, इतनी बड़ी होगी, इसकी केयर हुई है, बच्चे को डिलीवरी कराई है, रोज केयर करते, माँ का कन्न खा ला तू। ओए वे कुछ नहीं कहती, अगर वो वाली मैं बच्ची इधर लेके आऊंगी ना एक सेकंड में घूरती है, ये सारा पता है इसको, डॉग्स जो होते हैं अपने बच्चों को स्मेल से पहचानते हैं, ना कि उनके नाम लेके। चलो भी बाहर चलो चलो बाहर चलो तितर हो चलो मर्जन, चलो बाहर आओ इधर आओ बे, चलो इधर आ जाओ बाहर चलो चलो। इस पिंजरे में ना कपड़ा रख के फिर उसको मैं रात को सुलाऊंगी आज। हाय नेल डिजाइनर भाई, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल नेल्स, आज रग हमने साडे नेल्स लाए ने, क्योंकि वो मुझे बोलता कि कभी कभी अपने आप को भी पैम्पर करना चाहिए, मैं अपनी केयर नहीं करती, सो थैंक यू भाई नेल डिजाइनर राघव। आ जा बाहर आओ इधर किधर तैयारी खींचे बाहर चलो, आंदियां नूं एक घर दा कोई शैणा छड्डी होए, चलो चलो आओ आओ बंद कर दे आगे नहीं, आ वेख लो सारे शूज ला के थल्ले रखे ने इन्होंने, वेख लो इधर, होए वे मर जो समान इन्ना कीता ने वेखी, चल हुण करने फिर आ जा, पहले पिछले बच्चे देख लेते आ जाओ समान, हम पता किसको बोलते हैं पोटी को, अब दरना तुर जान कि इधर कड़ा कमी पई है, नेत्रा 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 बेबी नेत्रा बेबी नेत्रा नेत्रा बेबी डबू डबी डबी कोको शाडी शाडू नेत्रा मोती मोती बेबी की वाची मोती की वाची मोती जिमी जिमी आवेख 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 जड़े नू प्यार करने ने ना मेरे नाल जिमी डबू शुगर टूरन लग गया है, ये दो ही डोंगों में खाना पड़ा, खाया नहीं हुआ इन्होंने, बाकी डोंगे हो रखे उत्ते। हाँ पुत्र हो कितने वे कालू डब्बू, आज हवा बड़ी सोहनी चलन दी, पकड़ी लाइट पकड़ी जरा, ये रे सारे बच्चे भाई देख लिए, शाडी नेत्रा नेत्रा मेरे बच्चों नी डब्बी नी डब्बी मेरे चोनो बच्चों ची नी डब्बी ची नी डब्बी में उत्ते जाड़ दई नेत्रा जिमो गई थी जी जिमो गई थी जी मेरा बच्चों नी जिमो का घाव दिखा पहले जिमो का घाव देख लो कितना सा रह गया, इतना बड़ा था यहाँ तक, यहाँ से इतना बड़ा था ऐसे,
कैमरे में फिर भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, इधर पीछे चढ़ी हुई है मेरे नेत्रा। जिमो जिमो मेरा छूनो बच्चो चीनी, छूनो बच्चो ची बुगे। जिमो की एक आंख भी नहीं है, ये खाना उठा देते लड़ाई करेंगे। अज मौसम थोड़ा ठीक है, मैं ऊपर जाऊंगी, सारे ऊपर आ जाएंगे। आ जाओ ऊपर, आ जा जिम्मे भी पहले से ठीक है, कोको का आपको पता ही है, बगीरा मोती डब्बू नेत्रा शेडो ब्लैकी उत्ते में वो है प्रधान उत्ते बैठा है, ये तो दुनिया नाल वक्रे स्वैग लागे लगा फिर दो वेख। आ पूरी पलटन मेरे पीछे आंडी दी लाइट, मैं जाती ऊपर। चलो भाई चलो 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 हो जाओगा, चलो 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 डब्बू चलो यार, मैं डगे चलिए, तुझे डिगना है कि नहीं डिगना, चल होए। टैंकी भरेगी सस्ता, ये सारे कटोरे ना अपने खुद ऊपर लेके आए हैं, ये टैंकी भरी जाती है और सारा पानी इधर आ जाता है, ठंडा हो जाता है, इतने नचते गाते जो मर्जी करन, समान उधर भी इकट्ठा हो गया है। हाय फिर अब्बा अज इकट्ठा करने, चलो भाई देख लिए सारे बच्चे, चलो मैं नीचे जा रही हूँ अभी, हैं जो सो गए उनको गुड नाइट, अगर नीचे नहीं भी जाना तो मुझे बता दो, यहीं से लाइव एंड कर देते हैं भाई, बकरा सवा के जट दा दे। ये डोंगे सारे अपने खुद लेके आए ना नीचे से, ये चलो जी मैं चलिए थले, ये रे सारे नेत्रा मेरे तो समान डिग गए थे, डिग गए तो तू इतने की है, छे ऊपर है नीचे चार है, दस टोंगे पड़े होंगे। चलो बिन्नी को दिखा देती हूँ, जल्दी जल्दी रुको फटाफट, है ना, जब से जिम्मी आई है जब से शेडो आई है ना, मोती लाइक नहीं करती उनको, इसलिए ज़्यादा ये उनके साथ बात नहीं करती। बिन्ना रांची, हाँ दिखा रही, दो मिनट दिखा रही, जल्दी आ जा, इधर होर समान आ गया जे, मर जो सौ गुरु दी, दिमाग ही हिल जाना मेरा किसी दिन, जेडे लोग बकवास कर देने ना, एक दिन मेरे घर आओ पोटियाँ चुकावगी ताे तो फिर तुम पता लगेगा, हजे जो तो लाइव एंड हो जाएगा ना, असी मैं तो मान्य रल के पोटियाँ चुकनिया ने, फिर उन्होंने खाना खवाना है, फिर सारी सफाई करनी है, बैड साफ करना है, चादर बछानिया ने, फिर कित जाके सोना है। वो बैठी जारा बूए दे अगे, जारा नहीं जारा जरा जा अपने डाइनिंग टेबल से, जा मम्मी बुला रही है, जा अंदर जाना, सू कांटो है अंदर, कांटो कितने वारा कर दी गई है, हाँ वेख अजे हजे हजे को नाम ही नहीं लिया अगले का, अभी नहीं लेगा उसको, ले मम्मी की आवाज सुन गई है, जा रहा था डाइनिंग टेबल, आवे जा रहा जा रहा, नहीं नहीं जा रहा, ये किसी ने आज बैग भेजा था, ये ड्रूल्स का ये आया है, जो भी बैग आता है हम यहीं पर रख देते हैं, खोल के खाओ ऐश करो, जो आता है डॉग खिलाते हैं, क्योंकि खाना उन्हीं के लिए है। जा रहा नहीं जा रहा, बिन्नी ने मेरी डाइट खानी है, बिन्नी इसकी खाता ही है डाइट, तभी तो खिलौना नहीं ले रहा वो, चालू कम मानती है उसको, तू देख ऐसे खाता तो देख ले कैसे है, रोज खाने लग गया होने, वीडियो चल रही है भाई कि नहीं चल रही, बेचारा कौली वे कितों ला दी तू, जा रहा थी दूध वाली, अभी खान दी जीभ ते वेला दी, पकड़ी लाइट एक बार, जारा हाय नहीं मैं डिग पैसा, जारा डिनर करन डए ने साडे नाल, चंगे ते इने टाइम ते रोटी ते खान डए ने, रांची अंदर ही हाय वे मेरा रब्बा वे,
हाँ वेखो गद्दा इन्ना वास्ते भी शायद इधर अगले एसी तो बिना नहीं सौंदे ते गद्दे तो बिना नहीं सौंदे। रांची हाय नी हाय मेरे भी गला तेरे वांग हो गया अज। हाँ की जी की मिल बच्चे नू आ डुगू की दवाई ना इनू लगी है हल्दी वेखो अदी कन्ना नू हल्दी आ ला के लगा फिर दे डुगी पहले से ठीक हो गया देख लो डुगी कमरा दे चिल्ड है चिल्ड जा रहा आ गई जान जान के छेड़ दी नहीं तेनू पसंद कर दे इसको ना दिन में 100 बार ये दरवाजा खोल के बाहर जाना 100 बार दरवाजा खोल के अंदर आना है। रांची की जिन मेरे बच्चे नू हेलो कर दो रांची की मेरे बच्चे नू की जी डुगू डुगू तो मेरा छोली दुनिया ना छोना बच्चा सी है ना मेरे बुग्गा है ना मेरे बच्चा डुगू का हाल देख रहे हो क्या हो रहा है। लोग ऐसे डॉग को तो दूर से देख के भाग जाते हैं कि हमारा हमें एलर्जी हो जाएगी हमें बीमारी हो जाएगी बट डुगू पहले से ठीक है पहले से सही हो रहा है ये। इसकी टांगों की स्वेलिंग भी कम हो रही है किसी ने डी मैक्स स्प्रे भेजा था वो भी इसको लगवाया है तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मम्मी इसको गंदक दे रहे हैं तो बच्चा पहले से बहुत ठीक है। वीडियो पॉज इसलिए हो रही होगी क्योंकि नेट की दिक्कत है भाई यहाँ पे एक सेकंड फेसबुक पे नेट की दिक्कत आ रही है वीडियो पे नेट की प्रॉब्लम थी हम मटियार लगी फिर दिए थे। बिना अपना खाना खा ला जाओ बुआ खोल के आपे तुर गई बाहर डुगी तेरी पूछ टूट चली इधर रांची की है की ची की मतलब बच्चे की जी डुगी डुगू मेरे चूना बच्चा नी चूना बच्चा आए नी मेरे चूना बच्चा की जी की मेरे नौने बच्चे नू हैं रांची और रांची रांची हेलो कर दो हाय नी चलो बाय। जारा इनके साथ ही रहती है कुछ नहीं कहते जारा को ये चलो बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नेट की काफ़ी दिक्कत है। आ जा लाइट रहनी चाहिए तू अंदर ही भाल मैं भज गई बाहर माइकल ने तेन फड़ लेना माइकल ने फड़ लेना इनू कि जा रहा स्यापा हाय वे बिन्नी वो आ गई मिनी दी और सच मिनी दी माँ हे परमात्मा देखा कितनी टेंशन होती है कोई कुत्ता गेट के बाहर आ जाए कोई अंदर चला जाए काटो कि काटो अपनी मम्मी नाल ही अज खाई जरा काटो लित्र खा के आई है लत्त लंघान डी अज लत्त ते की होए बुगे लत्त ते की होए लत्त वखान डी आ सिल्क काटो मिनी सारी फैमिली वेख लो इधर भाई मुझे नहीं पता कि वीडियो क्यों पॉज हो रही है मैं ये जितनी सारी वीडियो है ना ये सारी मैं उस पर डाल दूंगी यूट्यूब पे जो भी मेरा लाइव सेशन होता है अगर आपको दिक्कत आती है कि पॉज हो रहा है या नेट में दिक्कत है तो सारी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो। चलो जी डोंगे थोड़े जगह के नहीं और पेशड़े इनकी थे ये सारी फैमिली पकड़ी एक बार इसको बुके जाओ हूँ ना मेरे लत्ता खा दो तो सिद्धों में जने मेरे कपड़ा तो ना सारे लग डोल गया मर चले ने मैनू वेह वेख के काटो वो बैठी काटो ये री काटी नहीं काटी काटी ये जितनी भी वीडियो है ना मैं सारी यूट्यूब पे डाल दूंगी भाई वाईफाई लगा हुआ है बट नेटवर्क की दिक्कत है फिर भी वो खाना खा रही है सिल्क उधर। चलो जी बाय बाय सिल्क सतिंदर मिनी काटो माइकल सारे इतने ही ने बाय जी गुड नाइट कल मिलते हैं बाय बाय जी बाय बाय।